मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव बिरालसी में 2 लाख की फिरौती के लिए किए गए अपहरण के बाद बदमाशों ने युवक की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव खेत में 4 फीट गहरा गड्ढा कर दबा दिया गया। पुलिस ने शव गड्ढे से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता की दुकान से 2 लाख की फिरौती के लिए भेजा गया एक पर्चा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव बिरालसी निवासी 23 वर्षीय आशुतोष पुत्र जगपाल अचानक से 18 फरवरी को घर से लापता हो गया था। 2 दिन तलाशने के बावजूद जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस गुमशुदा आशुतोष को तलाश कर रही थी लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आशुतोष के पिता जगपाल बिरालती में ही सुनार की दुकान करते हैं। 2 दिन पूर्व उनकी दुकान में एक पर्चा पड़ा मिला था। पर्चे में आशुतोष के अपहरण की बात करते हुए अज्ञात बदमाशों ने उसे छोड़ने की एवज में 2 लाख रुपए की फिरौती देने की मांग की थी। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने पूछताछ के बाद गांव बिरासी के जंगल से संदिग्ध की निशानदेही पर 4 फीट गहरे गड्ढे को खोदकर गुमशुदा आशुतोष का शव बरामद कर लिया। बिरासी में एक के खेत से करीब 4 फीट गहरे गड्ढे से आशुतोष का शव बरामद हुआ। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है। मृतक के परिजनों ने बताया कि शव गड्ढे से बाहर निकाला गया तो उसमें दुर्गंध आ रही थी। आशंका है कि आशुतोष की हत्या उसके गायब होने के 1 या 2 दिन बाद कर दी गई थी। पुलिस को भटकाने या स्वजन को गुमराह करने के लिए हत्या के बाद आशुतोष को रिहा करने के एवज में 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। सर, किस तरीके से उसका मर्डर हुआ है? जी, वो भाई था हमारा और वो घर से 18 तारीख में दोपहर से फरार था। इसमें हमने 2-3 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में। उसके बाद पुलिस वालों के सहयोग से और उन्होंने कोऑपरेट करा हमें। दूसरी बात, हमारा सहयोग करा बहुत अच्छे से, सुनी भी हमारी, हमारे कहने से हर काम करा। लेकिन आज इसमें 5-6 दिन लापता होने के बाद आज उस बच्चे की लाश मिली जी। लाश पुलिस में मिली है? लाश तो लाश का सिर कटा हुआ है जी। मुंह में को, नाक में को, आँख में को खून आया हुआ है। हाथ पैर टूटे हुए हैं उसे, और बोरी में बांध के उसे धरती में दफना रखा था। लाश में बदबू हो रही थी उसकी, और करने वाले बस जो भी था पता चला देगी पुलिस। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई हम तो सजा चाहोगे जी, सजा चाहोगे बिल्कुल, और हर दम तय लड़ेंगे उसके साथ में। मतलब निर्दोष, मतलब अपने आप को इंसाफ दिलवाऊंगे। ये थाना चरथावल क्षेत्र में एक युवक जिसकी उम्र करीब 24-25 साल है, वो 20 तारीख से गुमशुदगी उसकी दर्ज भी की गई थी। 20 तारीख से वो लापता था और इस संबंध में पुलिस जांच भी कर रही थी। और उसके 2-3 दिन बाद उसके फैमिली को एक लेटर भी मिला था जिसमें कुछ लोगों ने पैसे की डिमांड की थी, और तभी से पुलिस इसमें लगी हुई थी। और उसमें 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए थे और आज पुलिस ने उनको पकड़ा और उनकी निशानदेही पे जो गुमशुदा जो व्यक्ति था उसकी डेड बॉडी आज बरामद हुई है। और हम अभी जानकारी कर रहे हैं कि इसके साथ और कौन कौन थे, और जो भी लोग होते हैं उनकी हम गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई करेंगे। हत्या का कारण क्या सामने आया है? अभी जैसा कि अब जितनी पूछताछ में आया है, ये लोग सब आपस में उठते बैठते थे, साथ में इनकी दोस्ती थी, तो उसमें कुछ झगड़ा वगैरह इनका हुआ हो संभवतः, इसलिए इन्होंने इसको मार दिया हो। अभी हम जानकारी कर रहे हैं कि भाई क्या मोटिव रहा इसके अलावा, अगर जो भी आता है उसको। पैसे का भी कोई लालच सामने आया? अभी तक इसकी कोई अलाकत नहीं, अभी तक कुछ बरामद नहीं। अभी हम उनको, अभी हमने गिरफ्तार किया, उनसे हम जो भी बरामदगी होगी वो करेंगे।